क्या करना है, अपने टॉप को क्रीजेस पड़ेंगी, वही अच्छी लगेगी। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ कनिका त्यागी। और अगर आप भी जीन्स टॉप पहन पहन कर थक गए हो तो आज मैं आपके साथ में जीन्स टॉप के साथ में ही कुछ ऐसी ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ, कुछ ऐसे क्लोथ हैक्स आपको बताने वाली हूँ जो आपको बहुत ज्यादा पसंद आएंगे। जीन्स टॉप पहनना मुझे भी बहुत ज्यादा पसंद है, स्पेशली टैंक टॉप और जीन्स पहनना तो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब हम लगातार इसी को पहनते रहते हैं तो बहुत बोरिंग हो जाता है, और हर जगह हम सिर्फ टैंक टॉप और जीन्स भी नहीं पहन सकते हैं, कुछ स्टाइलिश तरीके से पहनने का भी मन करता है। तो आज मैं आपके साथ में जीन्स और ब्लैक टैंक टॉप के साथ में कुछ माइंड ब्लोइंग हैक शेयर करने वाली हूँ, तो चलो शुरू करते हैं। तो हमारी सिंपल सी लुक जो कि हमने एक टैंक टॉप पहन लिया और एक जीन्स पहन ली जो कि स्ट्रेट फिट है, वाइड लेग जीन्स है, तो काफी ज्यादा अच्छी लगती है ये वाली लुक भी, मतलब एकदम डिसेंट है, सोबर है और स्टाइलिश भी है। लेकिन इसको थोड़ा सा एनहेंस करना तो बनता है, सो मेक इट स्टाइलिश। और कैसे बनाएंगे, सिंपल है, आजकल एक काफी ट्रेंड भी चल रहा है एंड नहीं जैसा आप सोचो वैसा मैं कुछ नहीं करने वाली हूँ, डोंट वरी। तो सिंपल, आपको अपनी जीन्स को इस तरह से फोल्ड करना है, और इसको ऐसे ही नहीं छोड़ देना है, वरना ऐसा भी हो सकता है कि आपके जिप खुल जाए और के साथ कुछ घटना घटित हो जाए। तो हमें एक सेफ्टी पिन लेना है और जीन्स में अंदर की साइड हमें ये सेफ्टी पिन लगाना है जिससे हमें सेफ्टी मिले, नाम ही है सेफ्टी पिन आने वाली। एंड लुक एट दिस, ये कितनी ज्यादा स्टाइलिश लग रही है। और आप अपने हिसाब से एक्सरसाइज कर सकते हैं, लाइक आप कैप ले सकते हैं, ब्रेसलेट तो मैंने पहना ही है तो आप भी पहन सकते हैं, वॉच पहन सकते हैं, और मैंने साथ में बस शूज पहने हैं, आप ये देख सकते हो कि मैंने व्हाइट कलर के शूज साथ में पहने हैं। तो बस यही करना है एंड इसी से, मतलब सिर्फ एक सिंपल से चेंज से हमारी लुक इतनी ज्यादा एनहेंस हो गई, इतनी ज्यादा स्टाइलिश हो गई है। Okay, तो नेक्स्ट लुक हम क्रिएट करेंगे ओवरसाइज्ड शर्ट के साथ में, एंड ओवरसाइज्ड शर्ट के नाम पे मैं हमेशा हस्बैंड के कपड़े उठा लेती हूँ बिकॉज आई डोंट हैव एनी ओवरसाइज्ड शर्ट, तो मुझे इससे काम चलाना होता है। सो एक ओवरसाइज्ड शर्ट ले लेंगे, डिपेंड करेगा कि आपके कपड़ों का कंट्रास्ट क्या है, कलर क्या है। बाकी मेरा तो ब्लैक और ब्लू है तो मैं व्हाइट शर्ट के साथ में ही जाने वाली हूँ, तो मैं इसको पहन लूंगी कुछ इस तरह से। एंड क्योंकि ओवरसाइज्ड है तो स्लीव्स फोल्ड करना बनता है, एंड ये लास्ट टाइम की ही फोल्ड हुई रखी है तो मुझे इस बार कोई एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी होगी। तो कुछ इस तरह से मुझे एक शर्ट लेनी है और उसको कुछ इस तरह से पहन लेना है, लाइक लूज लूज हमें पहन लेना है, एंड बस ये ऐसे ही अच्छा लगता है। बट मेरे पास एक और हैक है जहाँ पे अगर आपको ये वाला तरीका नहीं पहनना है जीन्स का, क्योंकि हर किसी के साथ में ये कंफर्टेबल नहीं है, तो आई हैव वन मोर आइडिया कि आपको अपनी ओवरसाइज शर्ट को इस तरह से पहन लेना है और जीन्स को सिंपल पहनना है, बट क्योंकि सिंपल होगी तो स्टाइलिश नहीं लगेगी बहुत ज्यादा, तो शर्ट को इस तरह से करना है। ये होने वाला है कि आपकी शर्ट वापस से ऊपर नहीं जाएगी, मतलब काफी बार ऐसा होता है कि ऊपर ऊपर चढ़ती रहती है, तो वो नहीं होगा, तो इसको इस तरह से कर लेना है एंड इस साइड आपको ऐसे ही छोड़ देना है। एंड नाउ लुक एट दिस, ये कितना ज्यादा सही लग रहा है, माय गॉड। नेक्स्ट स्टाइलिंग हैक जो मेरे पास है वो भी शर्ट के साथ में ही है, तो मुझे सिंपली अपना टैंक टॉप निकालना है और शर्ट को पहनना है। तो मैंने शर्ट को इस तरह से पहन लिया है, ऊपर का एक बटन खुला छोड़ना है और बस दो बटन लगाने हैं और नीचे के सारे बटन खुले छोड़ देने हैं, और ये टैंक टॉप है, हमें इसको इसके ऊपर से पहनना है। और ये कुछ ऐसा लगेगा एंड आई लव इट गाइस, मतलब ये बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, लुक एट मी। और अगर आपके पास अपनी खुद की शर्ट है, मतलब मेरी तरह ओवरसाइज शर्ट नहीं है, ओवरसाइज शर्ट पहनी है तो मुझे स्लीव्स जो है वो फोल्ड करनी पड़ी, बट अगर आपके पास खुद की शर्ट है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको स्लीव्स फोल्ड नहीं करनी है, आपको सिर्फ अपनी स्लीव्स को यहाँ तक लेकर के आना है, ऊपर करना है, उसके बाद बटन अप करना है और यहाँ से ऐसे ही छोड़ देना है, जो क्रीजेस पड़ेंगी वही अच्छी लगेंगी, मतलब बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है ये वाली लुक मुझे। आपको कैसी लगी ये वाली लुक कमेंट करके जरूर बताना मुझे। ओके ग्रेट, नाउ नेक्स्ट लुक क्रिएट करते हैं। उसमें आपको सिंपल क्या करना है कि एक स्कार्फ लेना है, मतलब मेरा स्कार्फ थोड़ा सा बड़ा है इस हैक के लिए, लेकिन अगर आपके पास छोटा स्कार्फ है तो बहुत अच्छे से वर्क करेगा, एंड जस्ट ऐसे कर लेना है, मतलब अपनी
मतलब जैसे बेल्ट लगाते हैं बेल्ट ना लगा के हमें सिर्फ स्कार्फ लेना है और उस तरह से कर लेना। इससे हमारी जीन्स भी थोड़ी सी टाइट हो जाएगी क्योंकि मुझे ये लूज आ रही है, तो बस ऐसे बांध लेना है और मतलब कुछ भी ऐसे कर लेना है, कुछ भी ऐसे बांध बांध लेना है किसी भी तरह से, जैसे भी आपको अच्छा लगे। मैंने सिंपली बांधा है और बस आपको क्या करना है, अपने टॉप को ऑफ शोल्डर बना लेना है, दैट्स इट। नाउ लुक एट माय लुक कि ये कितनी ज्यादा सेक्सी लग रही है और कितनी ज्यादा अच्छी लग रही है। मतलब एक सिंपल सी लुक है और फिर भी इतनी ज्यादा अच्छी लग रही है। तो आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, सिंपल से कपड़ों को रीस्टाइल करने के आइडियाज पसंद आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ में और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलेंगे किसी और नेक्स्ट यूजफुल सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।